सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 77। एक समचतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए और एक कोण एक्स दिया है। तो सबसे पहले हमने एक भुजा लेनी है ए, एक भुजा ले लेते हैं ए, ये हमारी भुजा है ए, और हमने एक कोण लेना है एक्स। कौन ले लेते हैं ये हमारा कौन है एक्स कौन है, और हमने क्या करना है जितनी हमारी ए भुजा है ये है हमारी लगभग 6 सेंटीमीटर के बराबर है, इतनी ही हमने भुजा लेनी है इस तरह से। जितना हमारा ये कोण है इतनी हम प्रकार रखेंगे। ये हमारे जो पॉइंट है इसका नाम है ए और बी। ए पर हम प्रकार रखेंगे, यहां से हमने चाप लगानी है इस तरह से। हम देखेंगे कोण कितना बड़ा हमारा है, इतना बड़ा हमारा कोण है, यहां से इसको काट देंगे और हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, और हम अभी इसको हल्की लाइन लगाएंगे, और जितनी हमारी ए भुजा है इतनी प्रकार खोलेंगे यहां से हम देख सकते हैं। इतनी प्रकार खोल के हमने इस भुजा को यहाँ से काट देना है, जहाँ पे ये कट रहा है ये पॉइंट हमारा आ गया डी। तो हमने क्या करना है बी पॉइंट से इतनी प्रकार खोल के, जितना आपका ए है ना ये देखिए इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ से एक चाप लगानी है इस तरह से, और हमने डी पॉइंट पर प्रकार रखना है। ये देखिए आप यहाँ से हमने इस चाप को ऐसे काट देना है चाप लगा करके इस तरह से, जहाँ ये दोनों चाप पे कट रही है ये पॉइंट हमारा आ गया सी। हमने क्या करना है बी से सी डार्क मिला दो, और सी और डी इसको भी डार्क मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और जो हमारा ये ए सी है इसको भी अब हम डार्क इस तरह से। ये हमारा कोण है एक्स, और ये एक्स कोण और ए भुजा के सहयोग से हमारा चतुर्भुज बनके तैयार हो गया है। हमारी ये ए बी रेखा है इसको भी हम जो है वो अच्छे से थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न है 77, ये बनके तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 78। एक आयत बनाओ जिसकी दो भुजाएं ए बी डी हुई है। तो हमें आयत बनानी है, इसकी दो भुजाएं दे रखी है। पहली हमारी एक भुजा है इसका नाम हम दे देते हैं ए, और एक भुजा हम यहां ले लेते हैं ये है बी भुजा है, ये हमने एक भुजा ले ली है इसका नाम हम दे देते हैं बी, ये है भुजा ए। और हमने क्या करना है ये हमारी भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक भुजा लेनी है ए के बराबर। ये हमारी आधार रेखा है इस तरह से, और इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। अब आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो हमारा आयत होता है ये
ये इसके सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी परिभाषा है। तो जो ये भुजा इसी तरह की ऊपर भुजा आएगी और जो यहाँ भुजा आनी इसकी हाइट की वो इतनी आई, इतनी आपकी बी है। तो हमने ए पे या बी पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। एक कोण हमने यहाँ बनाना है, बाकी हमारा जो है वो अपना वो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं और ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया है इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगानी है और जितनी ये आपकी लाइन है ना, इतनी हमने इसको काट देना है। तो हम प्रकार से भी नाप सकते हैं, फुटे से भी नाप सकते हैं। ये हमारी जो लाइन है ये है लगभग 8 सेंटीमीटर के बराबर, ये हमारी लाइन है, ये आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से इसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो काट देंगे यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमने क्या करना है, हमें इतनी प्रकार खोलनी पड़ेगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर की, ये जितनी आपकी रेखा ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसको काट दिए, देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है। हमने बी पॉइंट से भी इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे चाप लगा देनी है इस तरह से, चाप लगाएंगे। और जितनी आपकी ये ए भुजा है, ये ए भुजा आपकी है, इतनी प्रकार हम खोलेंगे यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो इतनी हमने जो है वो यहाँ पे इसका नाम हम दे सकते हैं, जहाँ पे ये आपकी भुजा आ रही है बी के बराबर, हमने लिए ये पॉइंट हमारा है डी। तो हमने डी पॉइंट पर प्रकार रखना है और यहाँ से इस चाप को काट देना है इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। अब हमने क्या करना है, बी और सी को हमने डार्क मिला देना है यहाँ पे इस तरह से, और ए और बी को भी हम यहाँ पे डार्क मिला देंगे, और सी और डी को भी हम यहाँ पे डार्क मिला देंगे, और ए और डी इसको भी हम यहाँ पे डार्क मिला देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर है 78, ये हमारा बनके तैयार।